हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे आफ्टर डिलीवरी हेल्दी डाइट रेसिपीज और वेट लॉस के बारे में। अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आ रहे हो तो मैं आपको बता दूं कि मैं हूं नेहा, मेरा 2 मंथ का एक बेबी है। मैं आपके साथ प्रेगनेंसी से रिलेटेड और साथ ही ब्यूटी टिप्स से रिलेटेड बहुत सारी वीडियो शेयर करती रहती हूं। मेरे को देखने के लिए, चैनल के साथ जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब आपको करना पड़ेगा, करना बिल्कुल फ्री है। तो मॉर्निंग की जो मेरी शुरुआत होती है वो होती है 6 और 6:30 के बीच में, क्योंकि बेबी सो रहा होता है तो मैं उठ जाती हूँ। तो सबसे पहले मैं उठ के पीती हूँ 1 गिलास गर्म पानी। आफ्टर डिलीवरी आपको कम से कम 2 महीने तक गर्म पानी ही पीना चाहिए। इससे आपकी जो टमी नहीं बढ़ती है, बेली फैट जो है आपका रिड्यूस होता है और आपकी बॉडी हाइड्रेट रहती है। पानी पीने के बाद फिर मैं फ्रेश हो जाती हूँ, अपना ब्रश वगैरह कर लेती हूँ। तो मेरे को ना सुबह उठते ही ना बहुत तेज की भूख भी लगी होती है, तो मेरे को होता है मैंने कुछ ना कुछ खाना होता है सुबह उठ के, क्योंकि हमने पूरी रात बच्चों को फीड कराते रहते हैं तो उस वजह से हमें भूख लग जाती है। तो उस बीच जब मेरा सुबह का छोटा मोटा जो ब्रेकफास्ट होता है ना, वो होता है 1 गिलास दूध और पंजीरी। पंजीरी की रेसिपी ना मैंने अपने चैनल के ऊपर आपके साथ अपलोड कर दी है, नहीं देखी है तो चैनल पे जाके जरूर देख लेना। बहुत ही ये हेल्दी होती है और आफ्टर डिलीवरी फास्ट रिकवरी करने में ये बहुत हेल्प करती है। और इसे खाना मेरे को बहुत पसंद है, मेरे को बहुत टेस्टी भी लगती है। तो मेरे को ना मॉर्निंग उठ के क्रेविंग होती है कि मैं जल्दी जल्दी से उठ के ब्रश करके जल्दी से इसको खा लूं। और पंजीरी में हमने बहुत सारे नट्स डाले हैं जिसमें बहुत सारा प्रोटीन, आयरन, कैल्शियम होता है, जो कि आफ्टर डिलीवरी आपकी बोन्स को, मसल्स को स्ट्रॉन्ग करेगा और ओवरऑल आपकी हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। और अगर आपको बॉडी पेन वगैरह की प्रॉब्लम होती है आफ्टर डिलीवरी, तो आप ऐसी पंजीरी बना के खा सकते हो। तो रेसिपी आप ज़रूर इसकी चेक कर लेना मेरे चैनल के ऊपर। फिर मैं छोटा मोटा अपना कोई काम कर लेती हूँ, उसको करने के बाद फिर मेरा होता है ब्रेकफास्ट का टाइम। क्योंकि जो दूध और पंजीरी मैं खाती हूँ वो सुबह 7 बजे तक मैं खा लेती हूँ, उसके बाद मेरे को 10 बजे तक फिर दोबारा से भूख लग जाती है। तो मेरा ब्रेकफास्ट है वो 10 बजे तक होता है, वो भी मैं लाइट करती हूँ क्योंकि मैंने सुबह खाया ही होता है। तो उसके लिए आज मैं बना रही हूँ मसाला ओट्स, इसमें बहुत सारी वेजिज डाल रही हूँ। मसाला ओट्स बनाने के लिए मैं यहाँ पे देसी घी का यूज़ कर रही हूँ। इसमें मैं बहुत सारे वेजिटेबल्स डालूंगी। इसमें मैंने छोटा प्याज काट के डाला है, उसके बाद इसमें थोड़े से बीन्स डाले हैं जो कि काफ़ी अच्छे होते हैं हमारी हेल्थ के लिए, और इसमें मैंने थोड़ा सा पनीर डाला है और हरे मटर डाल दूंगी। ओट्स तो बहुत ज़्यादा हेल्दी होते हैं हमारी हेल्थ के लिए। अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं आफ्टर डिलीवरी, तो आप ब्रेकफास्ट में या लंच में या फिर डिनर में एक टाइम इसको ज़रूर खाइए। और इसको हेल्दी वे से आप खा सकते हैं, इसमें बहुत सारी वेजिटेबल्स ऐड कर दीजिए। वेजिटेबल्स ऐड करने से ना तो ये और भी ज़्यादा हेल्दी हो जाता है। तो अगर आप वेट लॉस करना चाहते हो तो एक टाइम ज़रूर आप ओट्स खाइए, तो इससे आपका बहुत अच्छे से वेट लॉस भी होगा, साथ ही आपकी हेल्थ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा और आपकी हेल्थ भी काफ़ी अच्छी रहेगी। फिर जो भी इसमें मैंने सब्जियां डाली हैं उनको पहले मैं 1 गिलास पानी डाल के अच्छे से पका लूँगी। पकाने के बाद फिर उसके बाद इसमें मैं 1 कटोरी डाल रही हूँ मसाला ओट्स की। ओट्स को डालने के बाद फिर इनको मैं अच्छे से मिक्स करके दोबारा से 1 गिलास पानी डाल दूँगी, ताकि जो ओट्स है वो अच्छे से पक जाएँ। और इसकी सबसे अच्छी बात तो ये है ना कि ओट्स बनने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है, बहुत जल्दी बन जाते हैं। अगर आपको जल्दी से कुछ बनाना है, आपका मन करता है कुछ हेल्दी हो वेट लॉस के लिए, तो आप इसको बना के ट्राई करना। तो जो मेरा ब्रेकफास्ट है, सुबह 10 बजे तक मैं अपना ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ। ब्रेकफास्ट करने के बाद थोड़ा बहुत मैं घर का काम या फिर अपने बच्चे के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करती हूँ। फिर मैं 11:30 बजे के करीब मेरे को खाना होता है फ्रूट, क्योंकि फ्रूट खाना भी आफ्टर डिलीवरी बहुत ज़रूरी होता है। ये भी आपके रिकवरी प्रोसेस को फास्ट करता है। ये नहीं कि आप डाइट अच्छी ले रहे लेकिन आप फ्रूट्स नहीं खा रहे हो, फ्रूट्स के अपने बेनिफिट्स होते हैं, इसलिए फ्रूट्स आपको अवॉइड नहीं करना है, ज़रूर खाना है। कई बार ना हम सोच लेते हैं कि हम दूध पी रहे हैं, पंजीरी खा रहे हैं, देसी घी खा रहे हैं और भी बहुत अच्छी डाइट ले रहे हैं, तो हमको फ्रूट की इतनी ज़रूरत नहीं है। लेकिन फ्रूट खाना उतना ही ज़रूरी है जितना आप इन चीज़ों के ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हो, क्योंकि फ्रूट के अपने बेनिफिट्स हैं, इन चीज़ों के अपने बेनिफिट्स होते हैं। तो जो भी सीजनल फ्रूट हो उसे आप खा सकते हैं या फिर आप जूस भी पी सकते हैं। तो 12:30 बजे तक मेरा ब्रेकफास्ट और फ्रूट हो जाता है। उसके बाद बारी आती है लंच की। तो लंच जो मैं करती हूँ वो मैं 2 बजे तक करती हूँ। तो आज जो लंच की रेसिपी है वो ऑल टाइम मेरी फेवरेट है। कभी मैं इसको ब्रेकफास्ट में खाती हूँ और कभी मैं लंच में खाती हूँ, और प्रेगनेंसी के दिनों में भी ना मैंने इसको बहुत खाया है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है और ये ना वेट लॉस करने में बहुत ही अच्छे से हेल्प करती है। इसके लिए आपको चाहिए होगी ग्रीन वाली मूंग की दाल, इसको मैं मूंग की दाल कहती हूँ, हरी वाली, तो वही आपको चाहिए होगी। तो पहले आप इसको अच्छे से धो लीजिए। धोने के बाद फिर आप इसमें पानी डाल के इसको ओवरनाइट के लिए सोक करने के लिए रख दीजिए। आप चाहो तो इसको 4 से 5 घंटे भी सोक करने के लिए रख सकते हैं, लेकिन मैंने इसको ओवरनाइट रखा था। उसके बाद आपको एक मिक्सी जार लेना है, उसमें इस दाल को डाल देना। इसको पीसने के लिए ना आपने इसमें थोड़ा सा ही पानी डालना है, बहुत ज़्यादा नहीं डालना है। जैसी मैं इसकी कंसिस्टेंसी दिखा रही हूँ बिल्कुल वैसी ही होनी चाहिए। तो फिर इसमें मैं प्याज, हरी मिर्च और कुछ मसाले डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। मसाले आप अपने टेस्ट के अनुसार इसमें डाल लीजिए। फिर इन सबको आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद ये आपका बैटर बनके बिल्कुल रेडी हो जाएगा। जो मूंग बीन्स होते हैं ना वो हाई ब्लड प्रेशर और ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं, साथ ही वेट लॉस के लिए ये बहुत ही अच्छी रेसिपी है। तो फिर इन सबको मिक्स करने के बाद आपको नॉन स्टिक पैन लेना है। उसमें मैं यहाँ पे थोड़ा सा लगा रही हूँ देसी घी। देसी घी लगाने के बाद इसमें जो बैटर आपने बनाया है इसमें आप डाल दीजिए। उसको अच्छे से आप इसको फैला दीजिए। जितना मोटा
और आप पतला रखना चाहते हैं उसके हिसाब से आप रख लीजिए। ये नहीं है कि इस बैटर में सिर्फ आपको मूंग दाल का ही यूज़ करना है, इसमें आप बहुत सारी वेजीज डाल सकते हो, इसमें आप शिमला मिर्च डाल सकते हो, गाजर डाल सकते हो, हरे मटर डाल सकते हो, लेकिन सबको अच्छे से क्रश करके फिर ही आप डालिए। फिर आप इसको 3-4 मिनट तक एक साइड से अच्छे से पका लीजिए, उसके बाद थोड़ा सा घी लगा के इसको आप पलट दीजिए। तो दूसरी साइड भी आप इसको 4 मिनट तक अच्छे से पका लेना। तो ये आपका जो है मूंग दाल का, जिसको आप चीला भी बोल सकते हैं, बनके रेडी है, जो कि बहुत हेल्दी भी है, टेस्टी भी लगता है। और अगर आप वेट लॉस के बारे में सोच रहे हैं तो भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं। 2 बजे तक मेरा लंच हो जाता है, उसके बाद मैं कुछ देर रेस्ट करती हूँ। रेस्ट करने के बाद जो शाम को मैं ड्रिंक पीती हूँ अपने वेट लॉस के लिए, एक पैन में मैं ले रही हूँ 1 गिलास पानी, उसमें डालूंगी 1/2 चम्मच अजवाइन, 1/2 चम्मच सौंफ और 1/2 चम्मच ही जीरा। इन तीनों को आप पाउडर बना के भी रख सकते हैं, उसका भी यूज़ कर सकते हैं। इसको मैं तब तक उबालती हूँ जब तक ये 1 गिलास पानी 1/2 गिलास नहीं रह जाता। इसको अच्छे से आपको उबालना है। देखने में ये बहुत छोटी सी चीज़ है, लेकिन ये बहुत कारगर है। ये आपके बेली फैट को रिड्यूस करता है, आपके फुल बॉडी फैट को कम करने में बहुत हेल्प करता है, पेट की बड़ी हुई जो चर्बी है ना उसको बहुत जल्दी मेल्ट कर देता है। और पोस्ट डिलीवरी हम जो भी डाइट लेते हैं, जैसे हम घी खाते हैं या पंजीरी खाते हैं ना, इससे जो भी हमने चीज़ें डाली हैं वो सारी डाइजेशन के लिए काफ़ी अच्छी रहती है, जिससे अच्छे तरीके से आपका जो फूड है वो अच्छे से डाइजेस्ट हो जाता है। मेरी डिलीवरी सी सेक्शन से हुई थी, तब से मैं यही ड्रिंक पी रही हूँ। मेरे को 2 मंथ हो गए हैं, मैं इसी ड्रिंक का यूज़ करती हूँ। डिलीवरी के बाद ना आप एकदम से वेट लॉस के बारे में नहीं सोच सकते हो, क्योंकि आपको थोड़ी डाइट भी अच्छी लेनी पड़ती है, अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखना पड़ता है ताकि रिकवरी अच्छे से हो सके। आप ऐसे ड्रिंक का यूज़ कर सकते हैं, इससे क्या होगा आपका डाइजेशन भी अच्छा रहेगा, साथ ही आपका वेट लॉस में काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो इसके बाद बारी आती है रात के डिनर की। रात का जो डिनर होता है वो मेरा रोटी सब्जी के साथ ही होता है। तो यहाँ पे आज हमने बनाए हैं चने। पोस्ट डिलीवरी के बाद ना आप जैसे चने हो गए, ग्रीन वेजिटेबल्स हो गए, इनका आपको इस्तेमाल ज़्यादा करना है, क्योंकि इससे रिकवरी अच्छी होती है। चने को मैंने सिंपल ही तड़का लगाया था, इसमें मैंने जैसे लहसुन अदरक और जो प्याज टमाटर डाल के तड़का लगाते हैं वैसे तड़का इसको लगाया था। तो उसके बाद इसके साथ मैंने रात की सब्जी में देसी घी डाले थे, तो इसमें मैंने 1 चम्मच देसी घी डाला है, साथ में लिया प्याज, क्योंकि चने के साथ प्याज खाना ना मेरे को बहुत ही अच्छा लगता है। तो 8 बजे तक मेरा डिनर हो जाता है, उसके बाद मैं बेबी को सुलाने के लिए चली जाती हूँ। जब बेबी सो जाता है फिर 9:30 बजे तक मैं पीती हूँ 1 गिलास दूध, एक मैं मॉर्निंग पीती हूँ और एक मैं रात को सोने से पहले पीती हूँ। दूध में कैल्शियम होता है जो कि न्यू मॉम्स के लिए काफ़ी ज़रूरी होता है। तो ये थी पोस्ट डिलीवरी हेल्दी डाइट रेसिपीज। मैंने आपके साथ अपना बेबी बर्थ व्लॉग भी शेयर किया, आपने नहीं देखा तो मेरे चैनल जाके जरूर देख लेना। और भी प्रेगनेंसी से रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए और मेरे साथ जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि करना बिल्कुल फ्री है। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। टेक